गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से खेले जा रहे हैं फ्लैशबैक, जिसके अंदर अपना काम होता है डिटेक्टिव का। हमें चीजों को ढूंढकर सही करना होता है या तो उनका पता लगाना होता है। ओके गाइस यार, तो ये है हमारा लेवल जिसमें हमें पता करना है हु इज द प्रेसिडेंट। तो इन तीनों या दोनों में से कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट है, और वो कौन है भाई, ये कैसे। ओ एक सेकंड, वहां का कर्टन हल्का सा हिला, पीछे टीवी है। और एक सेकंड भाई, अच्छा ये वोटिंग लिस्ट है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही यहाँ का प्रेसिडेंट है। तो मेरे को शायद से इन सभी, मतलब जो पेपर फटा हुआ है ना, इसको एकदम सही करना है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। बट एक सेकंड, ये रहा पेपर, और ये लाल वाला प्रेसिडेंट है। ओ अच्छा, ठीक है। तो ये जो लाल वाला है ना, वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लेवल, हुज नॉट वर्किंग। इनमें से पता करना कि आखिर काम कौन नहीं कर रहा। भाई मेरे को देखकर ही पता चल गया, बट कितना गंदा ऑफिस है भाई, एकदम कूड़ा कबाड़ ये। छी भाई, बट ठीक है। तो यहाँ पर ये गेम खेल रहा है शायद से। यस भाई, पत्तिया खेल रहा है भाई, तेरी ऐसी की तैसी। ये भाई चोर, पकड़ लो इसको। ओके, पिक द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। इन तीनों में से पता करना कि आखिर इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तीनों सेम है, बट इनके बाल अलग है भाई, कैसे पता चलेगा। ये ऊपर बिल्ली है, अगर मैं बिल्ली पर टैप, नहीं बिल्ली पर कुछ नहीं हो रहा। एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्ली भाई ये किसको देख रही बिल्ली। वो भाई क्लिक करा मैंने उस पर, एंड ये झपट्टा मारा इसने, और ये दोनों ही डर गए। बट ये जो बीच वाली लड़की, कितना प्यारा मुंह बना दिया भाई बिल्ली को देखकर इसने, इसका मतलब यही है ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट लेवल, फाइंड द मर्डर वेपन। तो अपने को मर्डर वेपन फाइंड करना है, जिससे किसी को मारा होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तो देखो दिख रहा है, ये देखो ये जो ये हाथ में बांध कर मारते हैं, देखो ये रहा फिशिंग टैंक के अंदर है भाई ये। उसी के साथ में मैंने बोतल कहीं, ओ ये नहीं नहीं ये नहीं, मैंने बोतल देखी थी वो ये रही। और यहाँ पर चाकू भी है, और चाकू थैले के अंदर है भाई, ये क्या चीज़ है ये। ओके, उसी के साथ में यहाँ पर ये क्या चीज़ है भाई, ये ड्रॉर में है। अच्छा ये कुनफू वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और ये चेन सो, जिसकी चेन मेरे को दिख रही है, लेट्स गो भाई। तो ये है वो वेपन्स जिससे कि किसी ना किसी को मारा होगा। फाइंड हिज लवर, किसका लवर फाइंड करना है। अच्छा इस लड़के का लवर फाइंड करना है, कि आखिर इन दोनों लड़कियों में से इसका असली लवर कौन है। ये दोनों लड़ रहे कि भाई वो लड़का मेरा है, बट पता कैसे चलेगा कि ये किसका बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर पीछे लड़की बैठी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही है इसकी गर्लफ्रेंड। और यहाँ पर ठीक है एक, नॉइस रुको। तो ये हमें वापस से फोटो दी गई है, जिसको अपने को ना एकदम अच्छे से फिक्स करना है। तो यहाँ पर इसके फोटो के पास आएगा ये, यहाँ एंड हैंड्स इसके यहाँ पर आ जाएंगे। और इसकी जो शक्ल है वो पूरी भाई मैच कर रही है, जो पीछे की तरफ बैठी हुई है। तो असलियत में भाई ये है इसकी गर्लफ्रेंड, और वो दोनों पता नहीं क्यों झगड़ रही है पागल। नेक्स्ट लेवल, और इसके अंदर हमें ना इसको पूरे काले कपड़े पहनाने हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेजर है इसका, मतलब जैकेट सी, उसी के साथ में ब्लैक टाई, मतलब जो भी अपने को ब्लैक दिख रहा है ना, मैं वो सब पहनाने वाला हूँ। या गन भी है, ओके ये जूते हैं एंड एक कोट है। तो यहाँ पर मेरे को ये कोट दिख गया, और जूते ये ब्लैक वाले जूते। अब क्या रह गया, गन रह गई भाई। ये क्या है, कौन हिटमैन है क्या भाई तू। गन, ओ मुझे ऐसा लगा पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा भाई। यहाँ पर है देखो ये रही। तो इसको भी सेलेक्ट करते हैं, बट एक गन ब्लैक नहीं है भाई, ये देखो भाई साहब। लेवल 29, मेक द मूड रोमांटिक। तो यहाँ का जो सीन है ना, हमें एकदम रोमांटिक बनाना है। तो ये शायद से डेट कर रहे हैं, और ये चिकन है। एक सेकंड भाई, करना क्या है इसके अंदर, ये चिकन ये जो खाना था ना एकदम, ये देखो भाई बियर वियर सब आ गए। और ये स्पीकर है, स्पीकर से कैंडल्स आ जाएगी, और रात दिन कुछ करना है क्या, नहीं। और ये पीछे फील द म्यूजिक, इस पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ पोर्ट्रेट आ गई भाई। ओके, रोमांटिक मूड तो हुआ इनका। कलेक्ट द कैश, हमें इसमें पैसों को कलेक्ट करना है। और ये इतना नाराज क्यों रखा है, या ओ पानी के अंदर शायद इसके पैसे बह गए हैं। तो यहाँ पर हमें इसको पकड़ना है। ओ नहीं नहीं, नहीं एक सेकंड, मैंने यहाँ फिशिंग रोड देखी है, तो फिशिंग रोड से शायद से हम पैसों को पकड़ सकते हैं। देखो इसने फेंकी फिशिंग रोड, और ये रहा यहाँ पर, और जो लाश वाला था वो ये रहा भाई। तो इसको सारे पैसे मिल चुके हैं इसके भाई, अब तो भाई खुश हो जाते हो यार, देख नाइस। ड्राई देम फर्स्ट, हाँ बोल तो सही रहे कि भाई पहले पैसे को सुखा लो अच्छे से। लेवल 32, हेल्प हिम लिफ्ट द वेट। हमें इस नूबड़ी की मदद करनी है, इस भारी भरकम वेट को उठाने के लिए। और ये उठाएगा कैसे, अच्छा अभी यहाँ पर प्रोटीन शेक को फाइंड करना है। देखो एक तो ये रहा ढक्कन सा, मतलब बोतल है, तो ये लगता है भाई सारी की सारी पी कर रहा है, इसमें पावर आ जाएगी। तो हमने दो फाइंड कर लिए, ये तीसरा, एक ये चौथा, एंड ये पांचवा। अब मुझे लग रहा है भाई, ये देखो भाई ये कितनी प्लेट है इसके अंदर भाई, उठा लिया इसने। ओ भाई साहब, फाइंड द किलर। हमें इन बहुत सारे लोगों में से भाई किलर को फाइंड कर रहे हैं। तो ये पुलिस वाले अंकल जी कुछ तो पूछ रहे हैं, डिड यू सी हु किल्ड देम। अच्छा कि ये लड़की से पूछताछ कर रहे हैं कि भाई तुमने किसी को देखा मारते हुए। ये बोल रही है बियर, आई सो अ बियर, इसने भालू को देखा है। और यहाँ पर हमारे पास गाइस एक्सरे मशीन है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि आखिर इनमें से भाई भालू कौन है। ये लड़की नहीं, ये भी नहीं है, एंड यहाँ पर ये तो ये रहा नूड़ा। अबे
मतलब अच्छा भालू वाला टैटू है, ये नहीं बोल सकते कि टैटू देखा था, बट ठीक है यही है असली किलर। अब इस टूटी फूटी रेल रोड को हमें ठीक कर रहे हैं, और अबे भाई मुझे लगा मिट्टी को हटाएंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, बट एक सेकंड यार इसकी भी पजल दे दी यार, कुछ तो बख्श दो। बट ठीक है गाइस हमें इसको भी एकदम प्रॉपर ठीक करना है, तो यहाँ पर अबे होगा कैसे ठीक, एक सेकंड भाई, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। उसी के साथ में अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, लेट्स गो भाई ये हो चुका है, एंड यहाँ पर, और फाइनली भाई ये अपना यार नहीं हुआ, एक सेकंड कितने पीस आ रहे हैं इसके, एक यहाँ पर आएगा एंड ये लास्ट वाला इधर, ये बन गया भाई अपनी रेल रोड, वाओ। और यहाँ से भाई ट्रेन भी आ रही है। लेवल 36, इसमें अंधेरा सा क्यों है, हु इज द किलर, एक सेकेंड यहाँ पूरा, हाँ तो यहाँ पर एक बंदा मरा हुआ है, और ये रहा भाई किलर, भाई पिस्टल से मार दिया नूबड़े ने। लेवल 37, हु इज द किलर, भाई इसमें भी वापस से हमें यही क्वेश्चन पूछा है कि इसमें भाई इसको किसने मारा है, तो या वो इसके हाथ देखो कैमरा मैन के, कैच मी इफ यू कैन, तो इसी ने ये ग्लिटर से कुछ ना कुछ तो लिखा है कि अगर पकड़ सको तो मेरे को पकड़ लो, इसका मतलब असली कैदी या चोर यही है, ये देखो इसी ने मारा है भाई, ये उम्मीद थी मेरे को इस कैमरामैन से, बट ठीक है भाई इसको पकड़ लो। नेक्स्ट लेवल, फाइंड 4 क्लूज, हमें 4 ऐसे क्लूज फाइंड करने हैं जिससे कि इस लड़की को मारा गया है या ये मरी है। तो यहाँ पर चाकू है, पाँव के निशान है, एंड ये लिपस्टिक है शायद से, और उसी के साथ में ये ब्लोअर है, तो ब्लोअर तो मेरे को यहाँ पर दिख गया, पाँव के निशान भी दिख गए, और ये नहीं ये लिपस्टिक नहीं ब्रश है ये, एंड और क्या चीज़ थी, एक तो चाकू था, चाकू ये बाथरूम भाई इसके पीछे है, और उसी के साथ में अगर लास्ट चीज लिपस्टिक, ओ ये लिपस्टिक डस्टबिन के अंदर, इतना बड़ा डस्टबिन बाथरूम में कौन रखता है। लेवल 40, सुसाइड और एक्सीडेंट, तो यहाँ ओ वो अंकल जी भाई चक्कर खा के गिर गए, और हमें पता लगाना है कि उन्होंने सुसाइड करा है या वो एक्सीडेंट से मर गए, क्योंकि वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो भाई उन्होंने ना कोई ना प्रिकॉशंस नहीं पहने थे भाई, इसलिए क्या पता वो जहरीली गैस से मर गए। बट इनके पास कुछ है, ये क्या है, पेपर है शायद, आई डोंट वॉन्ट टू लिव, एंड ये खुद मरना चाहते हैं, वट, तो ये सुसाइड है भाई, इसने अपनी जान खुद ही ले ली, वाओ। यहाँ पर ओ भाई ये दीदी क्या कर रही है, ओए ये दवाई खाकर मर गई, और हमें ये पता करना है कि क्या ये सुसाइड है या कोई मर्डर, कि भाई किसी ने जानबूझ के इसको ही खिलाई हो। तो यहाँ पर ये रबर है क्या हमारे पास, ये ओ उस पर टैटू लगा रखा था जिससे कि उसको पता ना चले, इसका मतलब भाई ये मर्डर है। लेवल 42, फाइंड द फेक आर्टवर्क, अब हमें इसमें 4 ऐसी फेक आर्टवर्क को पता लगाना है जो कि फेक है, ये बंदा भाई मोबाइल चला रहा है भाई, स्टैचू ये फेक है, उसी के साथ में ये भाई पोर्ट्रेट काफी ज्यादा फेमस है, बट यार सेल्फी स्टिक कहाँ से आ गई है, सेल्फी स्टिक आ गई भाई, निकालो इसको भी, और ये भाई इसके ये के कान वाले कंगन कैसे आ गए भाई, इसको भी भगाओ, और ये देखो नंगू को, ये गोल्फ बॉल क्या बोलते हैं, बेसबॉल वो खेल रहा है। Who will destroy the city? हमें इसने पता करना है कि आखिर इनमें से कौन है जो कि इस सिटी को तबाह करने वाला है। तो यहाँ पर एक बूढ़ी आंटी भाई, में तो शक ही नहीं हो रहा मेरे को इस बंदे पे शक हो रहा है, और ये तो काफी ज्यादा चुटकू मुटकू सा बंदा है भाई, ये क्या ही मार देगा। और यहाँ ये दो लड़की है, मतलब एक लड़का लड़की बातें कर रहा है, और ये भाई स्केट बोर्ड वाला बंदा, हम पता कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ में ये यूवी रेज है, इससे पता कर सकते हैं। ओ एक सेकेंड ये क्या है, कुछ तो इसके पास, ये क्या चीज थी, दिस इनोसेंट ओल्ड लेडी कैरिंग प्लूटोनियम, ओ अच्छा ये एक काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है जिससे कि मौत भी हो सकती है, बट यहाँ पर ओके सुसाइड और एक्सीडेंट, अब हमें इसमें भी पता करना है कि ये खुद से मरी है लड़की या इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये फोन चला रही है, एक सेकंड फोन में कुछ ना कुछ राज होगा, गुड बाय वर्ल्ड, अबे भाई इसने ट्वीट कर दिया कि गुड बाय वर्ल्ड, वाओ मतलब इसे सुसाइड कर लिया, चलो भाई ये सुसाइड है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई अपन काफी ज्यादा अच्छे डिटेक्टिव हैं, फाइंड द हॉन्टेड हाउस, और यहाँ पर हमें इससे पता करना है। चलो भाई हमारे पास वापस से यूवी कैमरा आ चुका है, और यहाँ ये देखो भाई पीछे की तरफ है एक भूतिया महल। लेवल 46, फाइंड द बॉम्ब इन द मॉल, हमें इस मॉल के अंदर बॉम्ब को फाइंड करना है, और यार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला लेवल अपन ने कर रखा है, शायद से कुत्ते यहाँ पे कुत्ते यहाँ ये कुत्ता पता लगाता है ना कि बॉम्ब कहाँ पर है, ये लगेज में से देखो ये बैग लाया एंड इसके अंदर ये बॉम्ब है, सबसे पहले इसको डिफ्यूज करते हैं, ओके भाई बचा लिया, भाई बचा लिया, नहीं तो अभी फट जाता पूरा का पूरा शहर यही। लेवल 47, ये कुछ तो बोल कर गया है अभी, और यहाँ पर पार्टी हो रही है, बट एक सेकंड मुझे पता करना है कि आखिर बंदे ने क्या बोला है, फाइंड हिज टारगेट, क्या बोला इसने, आई मार्क 3 गेस्ट टू किल टुनाइट, अच्छा ये इस रात मतलब आज की रात को ये बंदा ना 3 गेस्ट को मारने वाला है, और हमारे पास ये एक्सरे मशीन है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इसने किसको मार्क कर रखा है। तो ये देखो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना ये मार्क का साइन, एक तो इसको मारने का प्लान कर रहा है ये, और उसी के साथ में अगर हम देखें ये एक सेकंड इस लड़की को, नहीं ये लड़की सेफ है बेटा तू बच गई, और ये लड़का भी सेफ है, ये लड़का बेटा गया आज ये भी मरने वाला है, इसको मार्क करा और लाश हमें मार्क पता लगाना है, एंड ये ओ ये
बेटा तुम तीनों मरोगे आज इसके हाथों। नेक्स्ट लेवल। ओ ये क्या हुआ अभी, ये बेचारी ऊपर से गिर गई भाई। एक्सीडेंट और मर्डर, मुझे लग रहा है भाई ये मर्डर है। इस नूबड़े भाई दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है, इस बंदे ने इसको शायद से धक्का दे दिया। और ये देखो इसकी हालत भाई, ज़ॉम्बी लग रही है। बट एक सेकंड, हमें ये वो चाकू है यहाँ पर। यप ये, ओ ये लड़की उस लड़के को मारना चाह रही थी। मतलब भाई मैं लड़के को बिना बात के दोषी ठहरा रहा हूँ, बट ये एक्सीडेंट है एक, क्योंकि लड़की भाई गलती से गिर गई यार। लेवल 50, फाइंड हर टू सेव द ब्राइड लाइफ। हमें यहाँ पर दिलों को ढूंढना है जिससे कि बिचारी इस दुल्हन को हम बचा सके। भाई कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ इसका। और यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई, एक तो दिल ये रहा, उसी के साथ में एक दिल ये रहा इसकी रिबन पर, एंड ये कुत्ते का दिल। हाँ कुत्ते का दिल भी चलेगा इंसानों में, ये जिंदा हो गई। वाओ नेक्स्ट लेवल, हु इज द किलर। ये बंदा ठंड के मारे मरा है भाई, ये किलर कैसे हो सकता है यहाँ पर। बट यहाँ पर ये बर्फ मेरे को अजीब सी लग रही है भाई, भालू ने मार दिया इसको। कितना डरावना लग रहा है ये। तो इस भालू ने इस बंदे को मार दिया, बट खून में नहीं निकला मेरे को, मरा कैसे हो। यहाँ पर फाइंड 3 बुलेट्स टू हेल्प हिम। हमें 3 बुलेट्स को ढूंढना है, एक तो बुलेट ये रही, उसके साथ में दूसरी यहाँ पर है। मतलब हमें बस इस पुलिस वाले की ना मदद करनी है इन तीनों ही चोरों को मारने पर। और भाई सभी के पास शॉटगन है, और ये लाश वाली यहाँ पर है। चलो भाई, तो यहाँ पर इन अंकल जी को बुलेट मिल चुकी है। ये भाई ये गया पहला, दूसरा एंड तीसरा। वेल डन पुलिस सर। ओ भाई ये क्या है, हाउ डिड शी डाई। अपने को पता कर रहा है कि आखिर ये लड़की कैसे मरी है। तो यहाँ पर यहाँ ना कुछ ऊपर चीजें दे रखी है, तो हमें इन सभी को सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक सेल्फी स्टिक है, उसी के साथ में यहाँ हेडफोन है मैंने शायद से। हाँ देखो ये रहा हेडफोन, देखा था। और यहाँ कैमरा है, और ये कैमरा बताएगा कि आखिर ये कैसे मरी है। और ये लैपटॉप, एंड लास्ट चीज क्या है, ये ओ प्ले बटन। ओके तो क्या बोल रही है, आई विल टेक 10 पोर्टल्स ऑफ पिल्स फॉर 100 के लाइक। अगर इस वीडियो पे 100 के लाइक होती है तो ये बोल रही है कि मैं 10 बोतल ऑफ पिल्स खा लूंगी। भाई चैलेंज के चक्कर में मर गई है। ओके गाइस यार, अबे भाई ये क्या सीन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला लेवल भी अपन ने कर रखा है। इस बंदे का जो हर्ट है ना, वो पूरा का पूरा टूट रखा है, और इसको हमें जोड़ना है बस। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, और ये रहा एक यहाँ पर। चलो भाई इसकी दिल की धड़कने वापस से आ चुकी है इसके अंदर। ओ ये मेरे को थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। वो लड़की भागी एक चाकू लेकर जिसमें खून लगा हुआ है। ओके तो यहाँ पर वो ये हाथ लटका हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास ना एक्सरे मशीन है, और यहाँ कुछ चीजें हैं जो कि हमें फाइंड करनी है। भाई ये मुझे लग रहा है काफी डरावना होने वाला है। एक तो यहाँ पर पाँव है, उसी के साथ में ये लड़की है, इस लड़की को भी मार दिया भाई, कितने लोगों को मारा इसने। ओके और भी चीजें हैं शायद से यहाँ पर। चलो यहाँ तो कुछ नहीं है, बट आगे देखते हैं ठीक है। तो यहाँ ये देखो ये लड़की मारी है भाई ये वाली। और एक सेकेंड ये लड़का कहाँ पर है भैया, ओ ये रहा हाथ। भाई कितनी खतरनाक लड़की है, वो पूरा काट गई क्या। और ये रहा लड़का। चलो भाई हमें लड़का भी मिल चुका है, मतलब 2 से 3 लड़कियों को उस लड़की ने मार दिया, वो भी एक चाकू की मदद से। नेक्स्ट लेवल। और ये कुत्ता भाई पूरा पागल हो चुका है इस यात्री के ऊपर। इज ही अ स्मगलर। हमें पता करना है कि क्या ये यात्री एक स्मगलर है जो कि खतरनाक चीजें ले जा रहा होगा। तो यहाँ पर से हमारे पास स्कैनर है, हम इससे इसको स्कैन कर सकते हैं। मैं चेक ही तो कर रहा हूँ भाई मैं। ओ भाई मैंने गलती से हिंट यूज कर ली। वाओ क्यों भाई क्यों, मुझे भी पता था भाई वो हिंट से आ जाएगा। बट एक सेकंड गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक मूर्ति लेके जा रहा है अपने साथ। नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पर तो भाई क्या खतरनाक बिजली कड़क रही है, और उसी के साथ में ये लड़की, ये क्या मरी हुई है भाई, करना क्या इसमें। हमें कुछ ना कुछ चीजों को फाइंड करना है, जैसे कि इसकी लिपस्टिक हो गई, झाड़ू हो गया, हाथ हो गया। भाई साहब ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से करेंगे भाई कंप्लीट। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।